स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक है क्रोजन। आपने देखा होगा आयरन अगर बाहर ओपन में रह जाए एयर में, ठीक है, या समटाइम कोई आयरन की कोई चीज है जो हमारे लिए खराब हो जाती है तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं ओपन एरिया में, उसे छोड़ देते हैं। तो एनवायरमेंट में प्रेजेंट एयर और ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके आप देखते हैं कि वो खराब होने लगती है, रस्ट में कन्वर्ट होने लगती है, रेडिश ब्राउन कलर की होने लगती है। उसी के लिए टर्म यूज करते हैं क्रोजन। देखिए द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर एंड केमिकल कौन सा एसिड ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड क्रोजन। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल, उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया है। वेन केप्ट इन डैम एयर फॉर कंसिडरेबल टाइम देन अ रेड ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अगर हम किसी आयरन के चीज को रख दे एयर की प्रेजेंस में तो आप देखिए धीरे धीरे वो खराब होने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर के रस्ट में कन्वर्ट होने लगता है। आयरन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड जो कि रस्ट में कन्वर्ट होता है। मेनली आयरन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके आयरन थर्ड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, दैट्स व्हाई वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज को हमने एक्सपेरिमेंटली भी करके देखा। हमने 3 डिफरेंट ट्यूब ली। पहली ट्यूब में मैंने अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जिसका मेन काम है कि जो एयर है एयर में प्रेजेंट जो वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। रिपीट कर रही हूँ, देखिए जब हम किसी ट्यूब को लेंगे तो उसमें एयर प्रेजेंट होगी, उसमें हमने अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला। तो जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं देन उसको उसमें आयरन नेल प्लस ऊपर से उसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ जो एयर है इस एयर में से उन्होंने क्या कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो भी यहाँ पे एयर में वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से अब एयर में वाटर प्रेजेंट नहीं है, खाली एयर प्रेजेंट है। तो आयरन नेल को हमने कुछ दिनों तक रख दिया, हमने देखा इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। सेकेंड ट्यूब में हमने क्या किया, हमने एक ट्यूब ली उसमें बॉइलिंग वाटर डाला, आयरन नेल डाली एंड ऊपर से हमने ऑयल की ड्रॉप्स डालकर मतलब ऑयल से पूरी तरह से कवर कर दिया एंड देन कॉक लगा दिया। आफ्टर सम टाइम 2-3 दिन 10-15 दिन देखा लेकिन इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं है। रीजन बिहाइंड, जब हम बॉइल्ड वाटर लेते हैं तो वो एयर फ्री वाटर है, मतलब उसमें एयर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, और यहाँ पर जो एयर थी वो इस कॉन्टेक्ट को, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है तो ऑयल उस एयर को वाटर तक पहुंचने नहीं देगी। तो इसमें वाटर है एयर नहीं है, इसमें एयर थी वाटर नहीं है। तो हमने देखा ना तो इसे कुछ होता है आयरन नेल को और ना ही इस आयरन नेल को कुछ होता है। बट अब हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर लिया जो कि अनबॉइल्ड है, मतलब इसमें एयर प्लस वाटर दोनों चीजें हैं, ये एयर ये वाटर दोनों चीजें हैं। आयरन नेल डाली और ऊपर से कॉर्क लगा दी, हाफ डिप कर दी और हाफ छोड़ दी। हमने देखा विद इन 2-3 डेज यहाँ पर हमें रेडिश ब्राउन कलर के डॉटलेट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं और जो ये शो कर रहा है कि वो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स आयरन दोनों चीजों से रिएक्ट करता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। अगर कोई एक चीज वहां प्रेजेंट है तो वो उसको खराब नहीं कर सकती, लेकिन अगर दोनों चीजें वहां प्रेजेंट है तो वो उसको रस्ट में कन्वर्ट कर देगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने उसी चीज को शो किया है, जैसे कि यहाँ पर एयर थी लेकिन वाटर नहीं था, यहाँ वाटर है पर एयर नहीं है, बट यहाँ पर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट है। अब हम अपने इस आयरन मेटल को किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय पेंट कर दीजिए तो कंटेक्ट टूट जाएगा एयर से भी और वाटर से भी, ग्रीस से भी सेम ग्रीस लगा दीजिए तो भी एयर वाटर से क्या होगा, कंटेक्ट टूट जाएगा। एंड ऑयल, ऑयलिंग कर देंगे तो भी एयर और वाटर अंदर तक आयरन तक नहीं पहुंच पाएगा और आयरन खराब नहीं होगा। बाय गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम जिंक मेटल की थिन कोटिंग कर देते हैं आयरन पर, जिसका मेन काम है क्योंकि जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आप लोग पढ़ चुके हो, तो वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और ये ऑक्साइड जो लेयर है बहुत हार्ड होती है जिसके वजह से एयर से ऑक्सीजन एंड वाटर आयरन तक नहीं पहुंच पाएगा। इट इज हार्ड कोटिंग एंड प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट है बाय टिन एंड क्रोमियम प्लेटिंग। सेम इसी तरह से आयरन के अपर एंड लोअर पार्ट पर, मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ क्या कर दीजिए, या तो टिन से या क्रोमियम से एक थिन लेयर अटैच कर देते हैं। जैसे आपके जितने भी टिफिन है, जो आप स्टील के टिफिन कहते हो, स्टील आर निकेल प्लेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, और जो आपका ये टिन से बनके मिलकर बना है, कोटिंग की गई है या निकल से कोटिंग की गई है, ये अनपॉइजनस
तो हमारे लिए पॉइजन भी क्रिएट नहीं करता और हमें प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि आयरन खराब नहीं होगा और ये पॉइजनिंग नहीं है तो हमारा फूड भी खराब नहीं होगा। क्रोमियम, क्रोमियम भी जितने भी आपने अपने घर में टैप होते हैं, टैप के जो ऊपर शाइनिंग होती है एक, ठीक है, वो शाइनिंग किस वजह से होती है, क्योंकि क्रोमियम की एक थिन लेयर उस पर डेवलप होती है और सारा पानी और एयर में ही रहता है वो। सेम बाइसिकल का हैंडल या कार का बम्पर, वो भी क्योंकि कोटिंग है तो वो एयर और वाटर को आयरन तक नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाय अलॉयिंग, अलॉयिंग आप जानते हो मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, मतलब मेटल जो है सिंगल से नहीं मिला है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के मिक्सचर से मिलकर बनाया गया, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अलॉय। तो हमने देखा जितनी भी चीजें अलॉय से मिलकर बनी है वो आयरन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं वाटर एंड एयर से। फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स, घर में इतने सारे बर्तन हैं, सब आपको स्टील के दिख रहे हैं, तो वो अलॉय है, मिक्सचर ऑफ द मेटल्स है, ठीक है, जिसकी वजह से आप वॉश करते हैं वाटर से, एयर में रखे रहते हैं तो कहीं से कहीं तक खराब नहीं होते। सेम उसी तरह से नाइफ, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सब किससे मिलकर बने हैं, पर्टिकुलर अलॉय से मिलकर बने हैं, जो कि हमें खराब नहीं होते एयर और ऑक्सीजन से। थैंक यू एवरीवन।